दरभंगा के सबसे बड़े अस्पताल डीएमसीएच पर एक परिवार ने लापरवाही का आरोप लगाया है। परिवार का आरोप है कि उसके बच्चे का बायां हाथ टूट गया है, लेकिन अस्पताल ने दाहिने हाथ का ऑपरेशन कर दिया है। परिवार वालों की अभी अस्पताल अधीक्षक से मुलाकात नहीं हुई है। बता दें, परिवार दरभंगा के हनुमान नगर का रहने वाला है। पीड़ित बच्चे का नाम फैजान है, जिसकी उम्र महज 7 साल बताई जा रही है। बच्चे की मां ने अस्पताल पर आरोप लगाते हुए कहा कि प्लास्टर के लिए रुई और दवा भी बाहर से ही खरीद कर लाना पड़ा। और किसमें प्लास्टर किसमें कर दिया? एक परसों लेके गई जटमलपुर इसको, तो वहाँ जो सो डॉक्टर बोला कि एक्सरा करा के देखिए, फिर मैं इसका एक्सरा कराई, एक्सरा बोले कि हड्डी टूट रहा, अगर यहाँ करवाइएगा तो हर चीज़ बाहर से लाना पड़ेगा, और नहीं तो डीएम से ले जाइए। तो कल पड़ गया संडे, फिर मैं लेके आई ना, आज मैं यहाँ 9 बजे पहुँचे, पर्ची उर्ची लेके हमको 10 बज गया, डॉक्टर के पास 11 बजे मैं पहुँच गई, तो बोले कैसा है कि 1 बजे आपको प्लास्टर होगा यहीं से बैठ के। फिर मैं इंतज़ार किया 1 बजे का, उसके बाद मैं गई, हम बोला भाई अब तो 1 बज गया, अब क्या होगा, तो बोला कि ऐसा है कि 2 बजे होगा आपका काम। हम कहा ठीक है, 2 बज गया, उसके बाद हम कहे कि आप तो नंबर दे दीजिए, हम छोटा बच्चा छोड़ के आए हैं और सुबह से मैं इतनी गर्मी में मर रहा है। तो बोले कि ऐसा है कि यहाँ जो स्टाफ करेंगे तो स्टाफ के जैसे होगा, अगर हम अपने हाथ से करेंगे तो बढ़िया से करेंगे। हम बोले कि ये बात तो सही है, तो फिर इंतज़ार कीजिए, 4 बजे हम ऊपर में आपके बच्चे का। कौन बोले ये बात? डॉक्टर साहब बोले पहले नंबर पे हम आपके बच्चे का हम खुद अपने हाथ से करेंगे। तो हम बोले ठीक है, फिर मैं वहाँ जाके इंतज़ार किए 4 बजे का, डॉक्टर साहब वहाँ पहुँचे 4:30 बजे, फिर मैं वहाँ पर्ची उर्ची जमा किए, पर्ची जमा के बाद करीब आधा घंटा पौन घंटा वहाँ अंदर साइन सुन हुआ, उसके बाद 5-6 बच्चा को ले गया। फिर मैं डॉक्टर साहब को बोली कि अब तो हमारा काम कर दीजिए, अब इतना टाइम हो गया, हमारे बच्चे सब अकेला है घर पे, तो बोले हाँ हो जाएगा, सो अभी इंतज़ार कीजिए, इंतज़ार की। फिर मैं स्टाफ को बोली कि एक बार हमको डॉक्टर से मिला दीजिए, अगर हो गया तो ठीक, ना हुआ तो मैं लेके घर चली जाऊँगी, तो बोला कि ठीक है मिलाएंगे। उसके बाद एक स्टाफ बाहर आया तो मैं उसको बोली, तो बोला ठीक है जाके मिल लो बच्चा छोड़ के। मैं जाके बोली कि भाई आप बोले थे पहले नंबर पे, तो क्या हुआ? तो नहीं, आपका नाम पुकारा जाएगा, पर्ची जमा है, जाके आराम से बैठिए। हम बोले यही बात अब अगर उस टाइम बोलते तो हम वहीं करवा लेते नीचे, बढ़िया हो या ख़राब हो। आप जैसे पूरी दिन बैठा के आप कह रहे हैं कि नहीं होगा, तो ऐसी थोड़ी बात बनने, कहीं होगा आराम से होगा। फिर एक स्टाफ बाहर निकला जो पर्ची ले रखे थे, उसको हम बोले कि भाई कमी मजबूरी भी किसी का समझ लो, हमारे बच्चा इतना छोटा है, इतना फोन जम भी मैं क्यों, तो हमारे बच्चे हो रहे हैं। तो बोले ठीक है, सभी 15-20 मिनट में हम आपको बुला लें। फिर वो गए तो हम 15-20 मिनट के बाद हमको आवाज़ लगा दी, जब हमारे इसके पापा लेके गए बच्चे को, तो बोले कि आप बाहर जाइए, सो रुई लेके आइए। फिर वो हमें 50 रुपया दिए कि रुई लिया।